देश की अर्थव्यवस्था सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर टिकी है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार भी एमएसएमई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। लघु उद्यमियों को निर्यात की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन समस्या यह है कि कई बार निर्यातकों की पूंजी विदेशों में फंस जाती है या फिर डॉलर या विदेशी करेंसी के मूल्य में उतार चढ़ाव होने के कारण पूरी राशि नहीं मिल पाती। इस समस्या का समाधान मोबाइल ऐप माई फॉरेक्स आई से मिलेगा। माई फॉरेक्स आई के संस्थापक आनंद टंडन ने बताया कि राजस्थान में अगले 2 वर्ष में 1 लाख एमएसएमई को सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस ये जो एमएसएमई सेगमेंट करते हैं, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स, इनका जो फॉरेन एक्सचेंज का जो नो हाउ है, जो इनको ज्ञान है अराउंड फॉरेन एक्सचेंज, वो काफ़ी कम रहता है। उस ज्ञान कम हो जाने की वजह से इनका जो नुकसान है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नुकसान इनका। तो हमारी जो कंपनी है वो इन लोगों को ज्ञान प्रोवाइड कर रही है, नॉलेज दे रही है अराउंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, किस तरीके से ये कंपनीज अपनी फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस को ऑपरेट करें, किस तरीके से अपने बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करें, और ये जो वॉलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव हो रहा है करेंसी मार्केट्स के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा 74 रुपये का डॉलर अभी 73 रुपये रह गया है एकदम से 3 दिन के अंदर लास्ट, उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए उस लॉस को, और उस डायरेक्शन के अंदर हम इन एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को मदद कर रहे हैं।